मुंबई की बोरीवली पुलिस ने एक ऐसे शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है जो लोगों से बैंक केवाईसी के नाम पर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। पुलिस ने कथित आरोपी को उत्तर भारत के राज्य झारखंड से गिरफ्तार किया है। दरअसल बोरीवली पुलिस से 8 फरवरी को एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि बैंक में केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर उसके अकाउंट से 2 लाख उड़ा लिए गए हैं। पीड़ित ने अपनी शिकायत में बताया कि उसके मोबाइल पर बैंक केवाईसी अपडेट कराने को लेकर फोन आया, जिसके बाद उसने कुछ जानकारी साझा की और फिर उसके खाते से 2 लाख कट गए। पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस को तकनीकी जांच और इंफॉर्मेशन नेटवर्क के आधार पर जानकारी मिली कि साइबर ठगी करने वाला आरोपी झारखंड में छिपा हुआ है, जिसके बाद पुलिस की एक विशेष टीम वहां पहुंची और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम हुसैन असगर अली अंसारी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 21 साल के आसपास है। पुलिस की टीम जब कथित आरोपी के ठिकाने पर गिरफ्तार करने पहुंची तो वे मोबाइल लेकर बैठा हुआ था और पुलिस को अपनी ओर देखता भागने लगा, जिसके बाद पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में दौड़कर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने कथित आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन समेत 14 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस ने उस खाते को भी फ्रीज कर दिया है जिसमें पीड़ित के पैसे ट्रांसफर किए गए थे। बताया जा रहा है कि ICICI बैंक कोलकाता ब्रांच में आरोपी का खाता था जिसमें 1 लाख रुपए जमा थे, जिसे पुलिस ने फिलहाल फ्रीज कर दिया है। बोरीवली पुलिस अब इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कथित नटवर लाल ने और कितने लोगों के साथ ठगी की है और कुल कितने को चूना लगाया है और अली असगर अंसारी के साथ ठगी की वारदात में कौन कौन लोग शामिल है। बोरीवली पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि यदि उन्हें इस तरह से कोई भी फोन आता है तो वे पहले अपने बैंक से संपर्क करें और बिना बैंक की सूचना के किसी भी तरह की जानकारी किसी से साझा ना करें। आमच्या आदित रणारे तक्रारदार खमुराम गोजरा यांनी पोलीस ठाण्यात येऊन सांगितले की त्यांच्या खात्यातून बँक KYC च्या नावाने 2 लाख रुपयाची ऑनलाईन फसवणूक झाली आहे असे सांगितल्याने तात्काळ त्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आला। त्यानंतर माननीय पोलीस उपायुक्त श्री बन्सल सर, माननीय वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री निनाद सावंत सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली नमूद गुन्ह्याचा तपास सुरू करण्यात आला। त्यात असं निदर्शनास आले की आरोपी इसम वापरत असलेला मोबाईल हा झारखंड राज्यातील देवघर पालाजोरी येथे ॲक्टिव आहे। त्यानंतर आम्ही विश्लेषण केल्यानंतर तांत्रिक विश्लेषण केल्यानंतर असं निदर्शनास आलं की आरोपी इसम हा सकाळी 8 ते संध्याकाळी 10 वाजेपर्यंत मोबाईल चालू ठेवतात, त्यानंतर ते मोबाईल स्विच ऑफ करतात। त्या आधारावर आम्ही माननीय सहपोलीस आयुक्त यांच्या परवानगीने मी व 2 अंमलदार, त्यात भरत पाटील व पोलीस हवालदार विजय जाधव असे तपासकामी झारखंड राज्याचे रवाना झालो। स्थानिक पोलीस स्टेशन पालाजोरी येथील सब इन्स्पेक्टर गौरव कुमार यांच्या मदतीने आम्ही बरदडुब्बा गाव तालुका पालाजोरी जिल्हा देवघर या ठिकाणी छापा कारवाई केली असता त्यात आम्हाला हुसेन अन्सारी हा इसम व त्याच्यासोबत 14 मोबाईल फोन, त्यात वेगवेगळे सिम कार्ड तसेच इतर स्पेअर सिम कार्ड मिळून आले। सदर आरोपीला आम्ही दिनांक 2 तारखेला ताब्यात घेतले व त्यानंतर मान्य न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायालयाने 3 दिवसाचे ट्रान्झिट रिमांड देऊन बोरवली येथे नेण्याबाबत सांगितले होते। त्यानंतर नमूद आरोपीला आम्ही अटक केली असून त्यास बोरिवली पोलीस ठाणे येथे आणले।